राम राम जी सभी को। और कैसे हो सारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और बहन भाइयों, हमारी योग क्लास शुरू हो चुकी है, अच्छा टाइम हो गया है। और अब हम आगे भुजंग आसन में। भुजंग आसन के कई पोज होते हैं। ये हम मोटापे वाला पोज करते हैं जिसमें मोटापा कम होता है, भुजाओं के डोले सोले खत्म होकर बिल्कुल सुंदर सुडोल गोल मटोल बाहें बन जाती हैं भुजाएं। और गर्दन को पीछे करते हैं तो हमारा जो थायराइड है वो ठीक होता है। बस इतना ध्यान रखें, जब हम गर्दन पीछे खींच कर लेकर रखते हैं तो दांतों को भींच कर रखें, और जिसमें जितना सामर्थ्य हो उसके हिसाब से करें। जो भी हमारी ब्रेस्ट के आसपास ज़्यादा फैट जमा होता है वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाता है और सुंदर सुडोल ब्रेस्ट तैयार हो जाती है एकदम बढ़िया। कलेजे से उभरा हुआ कलेजा होता है ना, जो ऊंचा ऊंचा सा, वो भी एकदम प्लेन बढ़िया, कमर पतली और पेट भी बिल्कुल कमर का चिप जाता है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जो न्यू कमर हैं, जो शुरू शुरू में योग में आते हैं, शुरुआत है जिसकी, वो आराम आराम से करें। एकदम ये ना सोचें कि हमारा जो फैट है वो एकदम ही बर्न हो जाए, एकदम पिघल जाए, ख़त्म हो जाए, हम पतले हो जाएं। मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ, मोटापा इतना मायने नहीं रखता जितना स्वस्थ रहना मायने रखता है। स्वस्थ रहो, योग करते रहो, मोटापा धीरे धीरे अपने आप भाग जाएगा। बस आप रूटीन में रखो। और आज तो बिल्कुल ही खींच कर ले रखी हमारी बहनें, कई सेटों में ही भुजंगासन हो रहा है। सारी बहनें बहुत ही अच्छा करती हैं। और ये देखो, ये 5 बजे आ जाती हैं जबकि क्लास हमारी 6 बजे शुरू होती है। उससे पहले ये सैर करती हैं सारी बहनें, पार्क के चारों तरफ कई कई चक्कर लगाती हैं पूरा। और फिर उसके बाद ये जो इन्होंने खुद अपना योगा जो याद रहती हैं स्टेप बाय स्टेप खड़े होने वाली, ये खुद करती हैं। और कई बार तो सूर्य नमस्कार भी कर लेती हैं, हम पहुंचते हैं जब तक। और फिर भी देखो कैसे लगी हुई हैं, इतनी लगन के साथ लगी हुई हैं सारी बहनें। और जो घरों में बैठी हैं वे भी निकले हैं। अब तो ये भी नहीं है, 5 बजे से 8 बजे तक है, दो दो टीचर हैं क्लास में। हथेली पर हथेली रखकर पूरी कोहनियाँ खोल देनी है इसमें। इसमें भी श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हमारी पोती बोलती है, दादी आप योग करवाते हो, सेम ऐसे हमारी टीचर हमारे स्कूल में करवाती है योगा टीचर। मैं कहा बेटी, योग तो एक जैसा ही है, कोई कठिन आसन है, कोई सिंपल, कोई साधारण है, कोई कैसे है। तो बोले, नहीं दादी एक फर्क है, डिफरेंट। मैं कहा क्या डिफरेंट है, आप हिंदी में बोलते हो, टीचर इंग्लिश में बोलती है, आप भी इंग्लिश में बोला करो दादी। फिर मैंने कहा मजाक में उसके साथ, मका सिखा दे लाडो। तब कहा श्वास अंदर लेते हैं ना दादी, उसको इनहेल बोलते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं तो एक्सहेल, अप डाउन। मका अच्छे बेटी। तो भैया आजकल हमारी पोती हमारे को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सिखा रही है, तो हम भी उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जब वो हमारी क्लास लगाती है शाम को। और
और भाई अब देखो रेस्ट कर रही है सारी बहनें, इसको बोलते हैं बालासन। अब है ये त्रियक भुजंगासन, वापिस आ गई है त्रियक भुजंगासन। पीछे से पैर खोल लेते हैं और श्वास भरते हुए ऊपर और दाएं कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी देखने की कोशिश की जाती है। फिर ऐसे ही एक्सहेल करते हुए डाउन और इनहेल करते हुए अप, और लेफ्ट शोल्डर से राइट लेग्स की हील्स देखो, बोलते हैं ना इंग्लिश आगे ना मुझे भी मुझे भी आगे पर अभी है ना थोड़ी सी वो होती है। वो बनाएंगे इसकी स्पीड इंग्लिश बोलने की, फिर धीरे धीरे इंग्लिश में वीडियो आया करेगा भाई से अभी हमारी पोती ट्रेनिंग दे रही है। और ये देखो भाई दोनों हाथ साइडों में मुंडी जमीन पर और राइट पैर बिल्कुल तख्ते की तरह सीधा का सीधा उठाना डंडे की तरह, और दूसरी साइड पैर के उधर लेके आना है ताकि हमारा जो पेट पिट्टू है ना उसका फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, पाचन तंत्र ठीक हो। और जो बहनों में पीसीओडी की वो होती है ना दिक्कत, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। और जो कंसीव नहीं कर पाती बहनें वो भी कंसीव करना शुरू हो जाता है, उनके भी कंसीव कर लेती हैं और उनकी भी गोद हरी भरी हो जाती है। और दिखाएंगे कई बहनें हैं ऐसी, उनका इंटरव्यू दिखाएंगे हम अपने इस पर चैनल पर, जो हमारे इसी बहन बॉबी की क्लास में जो अच्छे दिन से कुछ दिक्कत थी और अब वे माँ का सुख ले रही है। कोई तो हमारे इस चीज़ को खेल समझता होगा कि इकट्ठी होकर चली जा हाँ जोड़ा ठाक है और उड़ा अपना लोट पोट होगा भाज जावे हैं के करें है। हम रिजल्ट सामने दिखाएंगे बाकायदा धीरे धीरे, अब इनके आपके सामने लेकर आएंगे जिसको जितने फायदे हुए हैं। फिर दूसरे पैर से कर लें ऐसे ही बारी बारी से दोनों पैरों से, और होल्ड कर कर के करें, जब एक पैर उधर ले जाए तो 10 तक गिनती करें और फिर पैर को रखें धीरे से पटके नहीं। फिर दूसरी साइड करें, लंबे गहरे श्वास लेते रहे छोड़ते रहे बीच में, श्वास के साथ करोगे तो बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और जो भी आसन की पूर्ण स्थिति में चले जाते हो अगर श्वास पर ध्यान नहीं रखोगे तो आसन अच्छे से नहीं कर पाओगे और ना ही ध्यान लगेगा, बस श्वास और श्वास की गति पर ध्यान रखें, डीप ब्रीथिंग एंड डीप, लंबे गहरे श्वास लेते रहो। भी बताना आज मेरी अंग्रेजी किस किस ने अच्छी लगी आज की अंग्रेजी मेरी किस किस ने अच्छी लगी एक ना लगी, कोशिश कैसी रही मेरी अंग्रेजी बोलने की इसमें। आज तो पूरा मोटापे का है, खींच देंगी सारी बहन आज ही देख लेना, अगर इनका वेट करवाते ना तो आधी किलो वजन हर एक बहन का कम होया मिलता। अब हम भी जोड़े में क्या क्या रखें, स्पीकर रखें, फोन रखें, आसन रखें और एक आधा आसन हमने ना अलग भी रखना पड़ता है, कोई ऐसी बहन आ जाती है पूछने और आसन बाद में लेकर आती हैं, पहले तो कई बार पूछने आ जाती है तो उनको हम है ना फटाफट झपट लेते हैं आसन लगाया मका बैठो बैठो अपने शिकार को जाने नहीं देते, हम कोशिश करते हैं अपने जाल में फंसा ले और उसकी बीमारियां ठीक करके ही भेजें ऐसे शिकारी हैं हम।
बीमारियों को दूर करते हैं। और देखो कोई कहीं से काना नहीं मिल रहा है और फिर भी ऐसी लगन लग रही है जैसे सबको ठीक कर दे, जो हमने आता है, जो हमने सीख रखे अपने गुरुजनों से और जो जो बीमारियां हमने अपनी दूर भगाई हैं। तो यही कोशिश रहती है भाई हम सबको स्वस्थ करें, देना लेना कुछ ना है, पर हाँ बस पता नहीं कौन सी कैसी क्या लगन लगा दी भगवान ने अंदर कि सोचते हैं सारी बहन आ जाएं, जितने भी आसपास की हैं क्लास में आए, जो भी बीमारी है सब बहन आराम से रहें, बीमारियां दूर भगाएं अपनी। तो देखो जिसके पास जितना समय होता है उतना उतने समय पाती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप 5 बजे आओ और 8 बजे जाओ, ना जी। हमें ज़्यादातर 5:30, 6:45 ऐसे जाते हैं। कमर दर्द का आसन चलाया हुआ है, एक हाथ कमर पर और एक हाथ सामने, और जो हाथ सामने है उससे अपोजिट पैर पीछे पूरा दंडवत तरीके से उठेगा, पूरा डंडे की तरह दंडासन में जैसे बैठते सीधा का सीधा पैर उठता। और अगर जो क्लास के बीच में साधक आते हैं तो वो ऐसे बहन की तरह बैठ जाते हैं जैसे बहन अपना ओम का उच्चारण कर रही है अपने मन ही मन, क्योंकि आते हैं तो ध्यान इधर उधर भटका हुआ होता है और ना जाने कितनी अलाबलाएँ हमारे साथ आती हैं, तो अपने ओम के उच्चारण से सभी अलाबला दूर हो जाती हैं और हमारे चारों ओर ओम अपना पूरा ओरा तैयार कर देता, हम सुरक्षित घेरे में होते हैं। और फिर अपना योग अभ्यास क्लास के साथ धीरे धीरे अपने जो भी अपना मन करे वो कर लेती हैं। बाकी कमर दर्द वाले कर रही हैं बारी बारी से, एक बार उस हाथ पैर से, एक बार उस हाथ पैर से। ये आगे भाई मछली देखो बिना पानी के, बिन पानी के तर जाऊंगी मैं तो योगा में जाऊंगी, बिन पानी के तर जाऊंगी। और वही देखो कल परसों था फ्रेंडशिप डे है ना, हमारा तक हर रोज फ्रेंडशिप रहा है डे, पर ये पता नहीं किसने पश्चिमी सभ्यता वालों ने ये दिन चला रखे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में भी पागलों की तरह फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास भेज रखा था किसी ने, लिख रखा था कि दोस्तों के साथ बकवास करो तो तनाव नहीं रहेगा, मन हल्का रहेगा था कुछ ऐसा ही, भूल गया भी जब तो पूरा याद कर रखा था। मतलब ये था दोस्तों के साथ खूब बकवास करो। और उन्होंने एक ऐसा भी सुनाया था कि एक बंदर शेर के पास, बंदर उदास था उसके कोई दोस्त नहीं थे, तो उसने सोचा तू आत्महत्या कर ले, तो उसने सोचा शेर खा लेगा तेरे को और तू शेर के पास चल उसको छेड़। शेर भी बेचारा उदास ही बैठा था मुँह लटकाए, बंदर ने जाकर शेर का कान खींच दिया, तो भाई कान खींच दिया तो शेर उठा, बोला भाई कौन है, बोला जी मैं था बंदर, बोला क्या हो गया मरना चाह रहा है, बोला जी मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं मरना ही चाहता हूँ, तो बोला तूने मेरे कान खींचते हुए किसी ने देखा तो नहीं, बोला नहीं। राजा बोला जंगल का शेर, बोला एक बार और खींच दो, तीन बार दो तीन बार और खींच दे अच्छा लगा, मैं भी अकेला बैठा था उदास था। तो भैया थोड़ी थोड़ी गप सप कर लिया करो ताकि डिप्रेशन दूर होता रहे, ये ना सोचे ये है फोन खड़का देती है,
ये लेहर मैसेज कर देती है। पर हाँ, थोड़ा बहुत टाइम का देख लो एक दूसरे का, भाई कौन सा टाइम किसको कैसे सूट करता है। अब बिजी हो और फोन खड़का दे वो भी बात ठीक नहीं है ना। हर एक बिरादरी के अलग अलग सिस्टम हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि किसी के फोन से किसी के घर में झगड़ा हो जाए। जब ये सारे अपने पैर वैर पकड़ के पीछे से लुढ़क पुढ़क लिए हैं, अरे बैठ गए हैं अभी तो देखो पेट की फुल मसाज हो रही है ये। अब हमारा प्राणायाम का सेशन होगा, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे आसन है ना पैकेज ऐसा है कि सारी बीमारियों को ये ठीक करता हुआ आ जाता है। अगर कोई योगा क्लास महीना भी ले ले और अपनी बीमारियों के आसन उसमें से पकड़ ले और वही करता रहे, दवाइयाँ छूट जाएंगी, गारंटी की बात है। अब ये बहनें जो कर रही हैं ये थोड़ा सा जल्दी जाने वाली हैं, बैठी हैं जो, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो ये बच्चों की तैयारी करेंगी अपनों की और बाकी थोड़ा सा आराम से जाएंगी। अब भाई धीरे धीरे मौसम भी बदल जाएगा, तीज आने वाली हैं, फिर सारे त्योहार आ जाएंगे। आई तीज और बोगी बीज, तीज आएंगी सारी। बहनें तैयारी कर लो अपने, हरी साड़ी, हरे सूट, हरी चूड़ियाँ, पिंक पाटड़ी तैयार कर लो, भी जुलन चलेंगे फिर कहीं। सब आप अपने अलग अलग कर रही हैं भाई, जिसको जो सूट करता है। जो पीछे बहना है वो लेट का तितली आसन कर रही हैं और जो दो बहनें बैठी हैं ये भस्त्रिका कर रही हैं और जो दो सामने बहन हैं ये भी लेट का तितली आसन कर रही हैं। किया करो सेटों में 20-20 के सेट कर लिए तितली आसन के, बैठ कर लेट कर दीवार का पैर लगा कर दीवार का सहारा लेके हर एक तरह से कर सकते हैं आप। बस श्वास के साथ करें, लंबा गहरा श्वास लेते रहें छोड़ते रहें। कपालभाति में छोटा छोटा स्ट्रोक लगाना है। और ध्यान से आप योग क्लास के साथ रहोगे तो श्वास लेना, अंदर श्वास रोक कर रखना, कई बार बाहर छोड़ कर बाहर ही छोड़ कर रखना, ऐसे सब ऐसे ही चलता रहता। वीडियो लंबी बनेगी तो ये सब आप अपने देखो। जीरो बनाना, पैरों से इकट्ठे करके पैर लेकर आए, घुमा दिया नीचे जीरो, बड़े से बड़ा जीरो बनाए ऐसे। थाइज पूरी स्वस्थ, नीचे के अंगों की बीमारियां गायब और जो ट्रस में बच्चेदानी में कोई दिक्कत है PCOD की ये वो सब ठीक होती हुई।
सारी समस्या भाग जाती है। बस समय देना होता है थोड़ा सा, और एक हिम्मत रखनी होती है। जो शुरुआत में करते हैं तो दर्द रहता है भाई अच्छे दिन बॉडी में, और छोड़ दोगे एक दिन आकर तो ज़्यादा दर्द रहेगा, और आते रहोगे तो धीरे धीरे दर्द कम होता हुआ जाएगा। और एक बार ऐसा हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा आप 1.5 घंटा पौने 2 घंटे क्लास में कैसे बैठे रहेंगे, बैठने का भी अभ्यास हो जाएगा। और भी जिसने मेरी क्लास ऑनलाइन लेनी है तो कमेंट्स बॉक्स में बता दें, हम धीरे धीरे अपनी क्लास तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन भी, तो फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा और ग्रुप भी बन जाएगा। Thank you.